जब से गियर 5 का टीजर आ गया है लोग जो है वो बौखला चुके हैं। तो आज का हॉट टॉपिक हमारा है गियर 5। हम बात करेंगे गियर 5 के बारे में। देखो वन पीस के जो है वो बहुत सारे एपिक एपिसोड्स आ चुके हैं, लेकिन गियर 5 जो है ये एक टर्निंग पॉइंट है वन पीस के मांगा के अंदर और एनिमे के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो असली कहानी अब शुरू होगी गियर 5 के बाद में। सबसे पहले मैं बता दूं कि वन पीस का एपिसोड 1071 ये कब आने वाला है। तो ये रिलीज होने वाला है अगस्त 6 को, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बता दूं जो लोग इंडिया में रहते हैं ये सुबह 7:30 बजे आएगा, और ये ग्लोबली क्रंची रोल पर भी जो है वो स्ट्रीम किया जाएगा। और रही बात मांगा और एनिमे के बारे में इस एपिसोड से रिलेटेड, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ चीजें जो है वो मांगा से एक्स्ट्रा डाली जाएगी, मतलब बिल्कुल मांगा टू मांगा कॉपी नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर कुछ एपिसोड में फाइट सीन में एक्स्ट्रा भी डाला जाएगा। और भैया यही नहीं, एक बोनस भी है इस नए एपिसोड 1071 के साथ। हमें एक नई ओपनिंग भी देखने मिलेगी और एक नई एंडिंग भी देखने मिलेगी, और साथ में एपिसोड 1072 का प्रीव्यू भी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही बात एनिमेशन की, इसका एनिमेशन भी बहुत ही तगड़ा लग रहा है। मतलब इन शॉर्ट मैं बता दूं कि ये मिथिकल जोन फ्रूट जो है गोमू गोमू नो मी, इसका ये अवेकनिंग है। क्योंकि वन पीस के पुराने एपिसोड में आपने देखा ही होगा जब शैंक्स बार में आता है तो लूफी गुस्से में आकर बॉक्स में से डेविल फ्रूट निकाल कर खा लेता है। जी हाँ, ये है गोमू गोमू नो मी, जहाँ पर शैंक्स लूफी को देखते ही वो भड़क जाता है कि ये फ्रूट तुमने क्यों खाया, और बाद में बोलता है कि बड़ी मुशक्कत से हमने ये फ्रूट चुरा कर लाया था। और सवाल यह है कि ये किससे चुरा कर लाया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ओडा को गियर 5 का इंस्पिरेशन कहां से मिला। तो गियर 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो इंस्पिरेशन आता है रबर होस एनिमेशन और बहुत सारे कार्टून इफेक्ट्स, खास करके ओडा जो है वो इंस्पिरेशन उनको मिला है जो कार्टून है टॉम एंड जेरी से, जहां पर टॉम जो है वो होस के साथ जो है वो आग बुझाने की कोशिश करता है। मतलब आप बोल सकते हो जो फायर ब्रिगेड का लंबा पाइप होता है और वो फनी तरीके से जैसे उड़ता है, उसका इंस्पिरेशन ओडा ने लिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि वो कुछ फनी होना चाहिए और जब भी लूफी फाइट करे और उसमें कुछ फनी एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। और एक बात वन पीस के गियर 5 के एपिसोड के बारे में, कहा जा रहा है कि ये सबसे ग्रैंड और तगड़ा एपिसोड होने वाला है वन पीस के हिस्ट्री में, और इस साल का मतलब 2023 का सबसे धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। रही बात वॉर्नर ब्रदर्स के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या वो इस गियर 5 के एपिसोड को एनिमेट करने वाले हैं। तो मैं आपका दिल जो है वो तोड़ने वाला हूं, क्योंकि वो इस एपिसोड को नहीं एनिमेट करने वाले, क्योंकि ये सब एक फॉल्स र्यूमर था। जो खबर थी वो फैलाई गई थी, वो नकली खबर थी। हालांकि वॉर्नर ब्रदर्स के बदले में इस एपिसोड की पूरी जिम्मेदारी जो है वो है मेगुमी इशितानी की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। गियर 5 के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, मतलब बहुत सालों से लोग जो है वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और वो जल्द ही एपिसोड आने वाला, और एनिमेशन जो है इस फाइट का वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो गियर 5 के बारे में अगर आपके पास और कोई जानकारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हैव अ गुड डे।